अब क्या हुआ? लगता है पुलिस वैन का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? सुनो, कहाँ जा रहे हो सुरेश तुम? सुना है ना, उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, उसे मदद की जरूरत है। मैं नहीं चाहती हम लोग किसी परेशानी में आ जाए। सुरेश, क्या हुआ? उन लोगों ने सबको मार दिया, वो भाग गए। सीआईडी को बुलाओ। सीआईडी? ये तो मर चुका है सर। सर, इसके शरीर पर तो किसी घाव या गोली का कोई निशान है नहीं। गाड़ी को देखकर लगता नहीं कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। सर, हाँ सर, ये देखिए सर, ये भी मर चुका है और इसके शरीर पर भी कोई घाव नहीं है। जब तुम लोग यहाँ पहुंचे तो क्या देखा आप लोगों ने? सर, हम लोग कोल्हापुर जा रहे थे, रास्ते में वैन खड़ी दिखी तो मुझे लगा शायद इसका एक्सीडेंट हुआ होगा। तभी हमारी नजर उस गार्ड पे पड़ी जो मदद मांग रहा था। फिर जब उसके पास गए तो सर, उसने बस इतना ही कहा, वो लोग हम सबको मार के भाग गए हैं। सीआईटी को बुलाओ। यहाँ आसपास किसी को देखा? नो सर। सर, अविनीत सर, सर यहाँ से दिखाई दे रहा है, दो लोग और पड़े हुए अंदर। दरवाजा तो अंदर से बंद है। विनीत, काम करो, गाड़ी में से कट लेके आओ जल्दी। समझ में नहीं आ रहा इन दोनों की मौत हुई कैसे। शरीर पे ना तो कोई घाव का निशान है, ना ही गोली लगी है। सर, अंदर जो दो लोग हैं, कहीं वो लोग भी तो। सर, लाइट पकड़ना। ये भी मर चुका है। मर चुका? कार्टेज पाउच? इसके राइफल कहाँ है? ओ, राइफल ले गए वो लोग। सर, ये भी मर चुका है। सर, सबको जहर देके मारा गया है। हाँ सर, इनके शरीर पर भी कोई निशान नहीं है। सर, ये देखिए, दो दो हैंडकफ्स। तुम यहाँ पे दो कैदी थे। लेकिन सर, ये दरवाजा अंदर से भी बंद था और बाहर से भी। ये लोग भागे कैसे होंगे? सर, हाँ बोलो। ये देखिए, गेट पास मिला है, आज की तारीख का, कोल्हापुर जेल से इशू है। महेश 209345 और ये जीवन 110279, मतलब ये दो कैदी है कोल्हापुर जेल। महेश, खुकार अपराधी है सर ये। खून के 13 केसेस चल रहे हैं इसके ऊपर। नवानगर के जेल से इसलिए इसका ट्रांसफर किया गया क्योंकि वहां के कैदियों के लिए दहशत बन गया था। खून करना तो मानो इसके लिए बाया हाथ का खेल था। और ये दूसरा जीवन? जीवन पर ज्यादातर धमकी, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग वगैरह के केसेस थे, लेकिन इसके खिलाफ कभी सबूत नहीं मिल पाया। तो फिर सजा किस बात के लिए हुई? उसने अविनाश नाम के एक बिजनेसमैन का खून किया था और इस बार सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जीवन और महेश
इन दोनों ने मिलकर यहाँ से भागने का प्लान बनाया? नामुमकिन। जीवन और महेश दोनों को अलग अलग सेल में रखा गया। ये मानिक है जो महेश के साथ जेल में था, और ये विधान जो जीवन के साथ जेल में था। मानिक, महेश के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या बताऊं साहब, वो बातें बहुत कम करता था, हाथ ज्यादा चलाता था, अपना मुंह बंद रखने में भलाई था, और उसके गुस्से के डर के आगे कोई भी आमने सामने भटकता भी नहीं था सर। और तुम जीवन को कितने सालों से जानते हो? साहब अपुन उसको 3 साल से जानता है, और साहब वो हमेशा एक ही बात बोलता था कि उसने अविनाश को नहीं मारा। आज जब हाई कोर्ट के लिए जीवन जा रहा था तो तुमसे कोई बातचीत हुई थी? कुछ बोला था उसने तुमसे? हाँ साहब, वो बहुत खुश था साहब, और बोल रहा था कि अब जेल से छूट जाएगा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उसे 3 दिन बाद रिहा कर दिया जाए। 3 दिन में छूटने वाला था? सर, जो कैदी 3 दिन के बाद जेल से आजाद होने वाला था, वो जेल से भागने का प्लान क्यों बनाएगा? हो सकता है ये प्लान महेश का हो। सर, महेश जीवन को अपने साथ क्यों ले जाएगा? कुछ बात तो होगी। अच्छा, ये महेश, इससे मिलने कोई आता था यहाँ पे? हाँ, एक आदमी आता था, उसके बियर बार का मैनेजर। बियर बार का मैनेजर? हम लोग सीआईडी से हैं। 1 मिनट में ये पता चलना चाहिए कि महेश यहाँ कब आया, और 2 मिनट में ये पता चलना चाहिए कि महेश कहाँ छुपा है। महेश? 2 मिनट हो चुके हैं। महेश तो कोल्हापुर जेल में बंद है। बिना सोडा पानी के ये बताने वाला नहीं है। दे दें क्या सर? विनीत, अंदर जाके चेक करो, कोई गोडाउन वोडाउन होगा। दारू के ड्रम से चेक करो। सेठ, बाइक में पेट्रोल नहीं है। ये लो। अरे 100 रुपए में क्या होगा, कम से कम 400 रुपए का पेट्रोल लगेगा। उतनी दूर आना जाना 4 घंटे का रन। तुम अभी अंदर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, जाओ। अरे लेट होगा तो मेरे को डांट पड़ेगी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अंदर जाओ। होश आ गया? हाँ सर। महीने में कितने बार जाते थे कोल्हापुर जेल महेश से मिलने? सर 2 बार, धंधे का हिसाब किताब देना पड़ता है बॉस को। बॉस का भागने का प्लान किसने बनाया? भागने का क्या, बॉस भाग गया? सर दिमाग में अभी भी फॉग है इसके। देख, 5 खून हुए हैं, अगर बाद में पता चला कि तू भी इसमें मिला हुआ है तो तुझे भी फांसी होगी, समझा? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ भी नहीं पता। सर, सर सब जगह अच्छी तरह से देख लिया, इस महेश का कहीं कुछ पता नहीं है। इस मैनेजर को ही ले चले क्या? नहीं, चलो। उस मैनेजर को पता है कि महेश और जीवन कहाँ छुपे हैं। लेकिन सर फिर आपने छोड़ क्यों दिया उसे? छोड़ दिया क्योंकि वो जीवन और महेश के लिए खाना लेके जा रहा है। लेकिन कहाँ सर? यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, बैठ जाओ। अच्छे बाप बन के दिखाएंगे, अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत हो रही। ये सब क्या हो गया? क्या हुआ? ये लोग कह रहे हैं कि जीवन जेल से भाग गए। क्या? हाँ, और वो भी 5 लोगों को मार के। पर जीजा जी तो सोमवार को जेल से रिहा होने वाले थे, फिर वो ऐसा क्यों करेंगे? और आप? सर मैं तो बस एक स्टेट एजेंट हूँ सर, मैं तो इन कागजात पर आशा जी के दस्तखत लेने आए हूँ। सर वो जीजा जी मोटर पास का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, उन्होंने तो एक गोदाम खरीदने के लिए एडवांस तक भी दे दिया था। लेकिन ये जीवन तो जेल में था, तो ये डील उसने की कैसे? सर वो डील मैंने ही की थी, उन्हीं के कहने के मुताबिक वो गोदाम खरीदने के लिए ये स्टेट एजेंट को घर पर बुलवाया था। जी हाँ सर, सर मैंने तो बस एक अच्छी सी प्रॉपर्टी ढूंढ कर दी है सर,
सर 50 लाख में इतना बड़ा गोडाउन कहाँ मिलता है आज के डेट में? अच्छा 50 लाख रुपए? जी ये 50 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए? सर मैंने तो 1 लाख रुपए ही एडवांस दिया था। हम अगर ये बाकी के 49 लाख रुपए कहाँ से लाते जीवन? मुझे नहीं पता कहाँ से आएंगे। अगर इस कागजात पे जीवन का तो नाम नहीं है, मिसेज आशा और मिस्टर रघु आपका नाम लिखा है कागज पे, ये क्यों? जीजा जी ऐसा करना चाहते थे, उन्हीं के कहने पे मैंने ऐसा किया सर। देखो सच सच बताओ, ये उल्टी सीधी पतंग उड़ाना बंद करो, समझे? नहीं सर, सर जो भी मैंने किया ना सर उन्हीं के कहने के मुताबिक किया। अच्छा 50 लाख रुपए कहाँ से लाने वाला था ये जीवन? 50 लाख रुपए रास्ता है ना जहाँ पे पुलिस वैन मिली? हाँ सर, लेकिन ये इस रास्ते पे क्यों जा रहा है? सर हो सकता है महेश और जीवन यहीं कहीं छुपे हों। अगर छुपे हैं तो बच के जाएंगे कहाँ? ये कहाँ जा रहे जंगल में? सर यहाँ तो गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, हम तो जा सकते हैं। सर ये देखिए सर, खून। सर ये तो महेश है, मर चुका है सर। सर इसे तो गोली लगी, लेकिन गोली चलने की आवाज तो कहीं से आई नहीं। महेश को गोली किसने मारी? बोल किसने मारी गोली? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, वो तो यहाँ जीवन साहब और महेश साहब के लिए खाना और कपड़े लेके आया था साहब। तुम जब यहाँ पे आए तो महेश जिंदा था? हाँ साहब वो जिंदा थे साहब। और जीवन का? वो यहाँ नहीं थे साहब। मतलब है जीवन ने महेश को मारा और यहाँ से भाग गया।
मरने से पहले कुछ कहा महेश ने तुमसे? हाँ साहब, महेश साहब कह रहे थे कि उनका जेल से भागने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन लेकिन जब जीवन साहब पुलिस वैन से भागे तो वो भी साथ में भाग लिए। इसका मतलब है पुलिस वैन से भागने का प्लान इस जीवन का ही था। सर, जब 3 दिन बाद जीवन जेल से रिहा होने वाला था तो उसे भागने की क्या जरूरत थी? हाँ, और उसने महेश को मारा क्यों? डॉक्टर साहब, घड़ियां देख लो अपनी अपनी। क्यों, किस लिए? इसलिए कि 5-5 गार्ड्स की लाश की फॉरेंसिक रिपोर्ट सिर्फ 5 घंटे में। फिर भूले से भी मत कहना कि डॉक्टर सालू के स्लो हो गया। अरे, हमारी इतनी हिम्मत डॉक्टर साहब ऐसा कहेंगे हैं? तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम तो आपके स्लेव हैं। स्लेव? अब गुलाम। अरे यार पैडी, ऐसा घटिया मजाक मत किया करो यार, मुर्दे भी बेहोश हो जाएंगे। तुम्हें कभी पॉलीऑक्सी मोनोजीनो सल्फाइड की खबर भी नहीं लगेगी। पॉलीऑक्सी मोनोजीनो सल्फाइड, अब ये क्या घुमा के रख दिया आपने? क्या होता है? एक तरह का जहर। जहर? तो पांचों को जहर दिया गया है क्या? हाँ। और ये जहर आसानी से तो नहीं मिलता होगा, आया कहां से? दो गार्ड्स तो ड्राइवर कैबिन में मरे थे, 3 गार्ड पैसेंजर कंपार्टमेंट में, 5 गार्ड को जहर कहां से दिया? ट्राइथाइलोलैमिन। हाँ, फ्रांस की महारानी का नाम है। नहीं फ्रेडी सर, चाय का साइंटिफिक नाम है ये। और पांचों के पेट में से हमें दूध, चीनी और चाय भी मिली है। तो इन पांचों को चाय में मिला के जहर दिया गया है? चाय में जहर मान सकता हूँ, मगर बंद वैन के अंदर ये चाय दी कैसे गई होगी? जेलर ने बताया था कि वैन मुंबई से 5:30 बजे शाम को निकली थी। और आखिरी गार्ड मरा 11:30 बजे। सर, 6 घंटे के अंदर ये पता लगाना कि जहर कितने बजे और कहाँ दिया गया है तो जरा मुश्किल होगा। यार ये जहर कब दिया गया है ये मैं बता सकता हूँ। देखो, ये जहर खाने के बाद फटाफट असर नहीं करता है, धीरे धीरे अपना काम करता है। खाने के करीब 2 घंटे के बाद ये असर करता है। 2 घंटे बाद? अगर हम ये मान लें कि 5 गार्ड की मौत 11:30 बजे के आसपास हुई थी, इसका मतलब इन लोगों को जहर 9:30 बजे दिया गया था। और जहर चाय में मिलाया गया है तो रास्ते में किसी होटल में चाय पी होगी। लेकिन सर, एक्सीडेंट हुआ है मुंबई से 240 किलोमीटर दूर, और 240 किलोमीटर के अंदर तो बहुत सारे ढाबे और होटल्स होंगे। 240 को आधा कर दो। मतलब सर? जहर का असर 2 घंटे बाद हुआ है। अगर हाईवे पे वैन की स्पीड 60 किलोमीटर थी तो एक्सीडेंट स्पॉट से 120 किलोमीटर पहले किसी होटल या ढाबे में इन लोगों ने चाय पी होगी। तो जहां पे एक्सीडेंट हुआ वहां से मुंबई की तरफ 120 किलोमीटर के आसपास जितने भी होटल्स और ढाबे हैं उन सारे में जाके चाय पीनी होगी। सर, मैं और चाय नहीं पी सकती। सर, सर मैं 24 कप पी चुकी हूँ। फिर भी तुम टेंशन मत लो, इस बार चाय हम दोनों पी लेंगे। भाई साहब, हम लोग CID से हैं, कुछ पूछताछ करनी है आपसे। जी पूछिए, क्या पूछना है? अब आइए हमारे साथ। अच्छा ये बताइए कि कल रात यहाँ पे कोई पुलिस की वैन आई थी क्या? साहब ये ढाबा है, या तो सुबह से शाम तक ना जाने कितनी गाड़ियाँ आती हैं। अब कौन आया कौन गया ये बता पाना बहुत मुश्किल है। साहब मैंने देखा है साहब। हाँ साहब मैंने देखा है, कल यहाँ पर एक पुलिस की वैन आई थी साहब। कितने बजे? ये कोई 9:30 बजे की बात है मैडम। अच्छा ये वैन कहाँ पे खड़ी हुई थी? साहब उस जगह पर खड़ी थी वैन। वहाँ पे खड़ी थी? जी साहब। अच्छा ये बताओ कि उस वैन में किसी ने चाय पी थी क्या? हाँ साहब उन्होंने चाय पी थी। ये चाय किसने पिलाई थी उन्हें? साहब मैंने नहीं, वो दूसरे आदमी ने दिया था साहब। कौन था वो आदमी? साहब वो बहुत अजीब सा आदमी था, वो वैन के पीछे पीछे गाड़ी में आया था साहब। उसने हाफ पैंट और सफेद गंजी पहन रखी थी साहब। हाफ पैंट और सफेद रंग की गंजी? तुमने उसका चेहरा देखा क्या? हाँ साहब बिल्कुल। विनीत स्केच बनवा के अपने खबरियों को दे दो, कोई ना कोई जरूर जानता होगा उसे। हाँ सब जानता हूँ उसे, बाबू नाम है उसका, रोज 2 बजे इधर से गुजरता है।
2:15 बज गए सर। आया क्यों नहीं अब तक ये? सर सर वो रहा बाबू। सर बड़ी जल्दी में है, चल के देखते हैं जाता कहाँ है। एक मिनट जी। सलाम सर। गोडाउन तो पहचाना सा लग रहा है। पर रघु और आशा ने जो गोडाउन खरीदा था उसका नंबर यही है। ओह तो मर चुका है। पलटो जरा। सर ये तो जीवन है। सर इसके शरीर पे कोई घाव या खून के निशान नहीं है। इसका मतलब इसे भी जहर से मारा है, जैसे उन 5 गार्ड्स को जहर से मारा था। ये बताओ कि जीवन को मारा किसने? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो यहाँ पैसे लेने आया था। पैसे? कैसे पैसे? जीवन ने मुझसे वादा किया था कि मैं उसकी पुलिस वैन से भगाने में मदद करूँ तो वो मुझे 2,00,000 रुपए देगा। तुम जीवन को कब से जानते थे? जीवन मेरा दोस्त था साहब, जब उसे कोर्ट ले जा रहे थे तो उसने चुपके से एक चिट्ठी नीचे गिरा दी। जब मैंने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं इस गोडाउन में आऊं, और जब मैं इस गोडाउन में आया तो सर 1,00,000 रुपए थे, एक चिट्ठी और एक दवाई की बोतल। चिट्ठी तुम्हें गोडाउन से मिली थी, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि मैंने अगर जीवन की बात मान ली तो वो मुझे 2,00,000 रुपए और देगा। क्या करने को कहा गया था तुमसे? उसने कहा था कि मैं पुलिस वैन का पीछा करूं और वो कहीं पर भी अगर चाय पीने के लिए रुकें तो मैं किसी भी तरह से उनकी चाय में वो दवा मिला दूं। जल्दी करो। आ रहे हो ना? साहब गर्मा गर्म चाय लीजिए साहब। मुझे लगा कि उसमें नींद की गोलियां होंगी। मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे नहीं पता था कि उसमें जहर होगा साहब। जिस जहर से इसने 5 गार्ड्स को मरवाया उसी जहर से खुद भी मारा गया। मतलब मास्टरमाइंड कोई और ही है। सर से ये देखिए पासपोर्ट। पासपोर्ट ये देखो, ये फोटो तो जीवन की है लेकिन इस पे नाम किसी बीके कुमार का लिखा हुआ है।
मतलब ये जीवन किसी जाली नाम से हिंदुस्तान से भागने की फिराक में था। हाँ, लेकिन कहाँ? इस पे तो किसी भी देश का कोई वीजा नहीं लगा हुआ है। सर, ये 2 लाख रुपए और इस पे किसी बैंक ऑफ महानगर का स्टैंप लगा है। 6 मई 2006, मतलब ये पैसे आज से 6 साल पहले बैंक से निकाले गए थे। और आज से 6 साल पहले ही जीवन ने अविनाश का खून किया था। कोई तो वजह होगी जो उसने आपके पति का खून किया। क्या पता? आपको पता नहीं कि वजह क्या है, तो फिर आप ये कैसे कह सकती है कि अविनाश का खून जीवन ने किया? और वो भी ये बात 6 साल पुरानी है। 6 साल पहले मैंने खुद उसे अपने पति को धमकी देते हुए देखा था, मेरी आंखों के सामने। लेकिन कोर्ट ने तो उसे छोड़ दिया था। हाँ, छोड़ दिया। झूठे गवाह जो पेश कर दिए थे उसने। एक के बाद एक आदमी कोर्ट में आते गया और कहते गया कि उस दिन जीवन शहर में था ही नहीं। मिस्टर राजेश, आपको भी लगता है कि जीवन ने ही अविनाश का खून किया है? हाँ, उसी ने मारा अविनाश भैया को। कोई सबूत है आपके पास? अविनाश भैया ने मुझे खुद बताया कि जीवन उसे धमकी पे धमकी दिए जा रहा है, पैसे दे नहीं तो मार दूंगा। तो पैसे दिए अविनाश ने? नहीं सर। सर, वो पैसे जो हमें जीवन की लाश के पास से मिले, वो? हाँ मिस्टर राजेश, हमें जीवन की लाश के पास कुछ नोटों के बंडल्स मिले हैं जिसपे बैंक ऑफ महानगर का स्टैंप लगा हुआ है। बैंक ऑफ महानगर? हाँ, बैंक ऑफ महानगर। आप दोनों में से किसी का अकाउंट है इस बैंक में? नहीं सर। और अविनाश का? हाँ, अविनाश का अकाउंट था। अविनाश का अकाउंट था? आप समझे मिस्टर राजेश, 6 साल पहले बैंक ऑफ महानगर से जो पैसे निकाले गए थे, वो 6 साल बाद जीवन के लाश के पास मिले हैं। ये पैसे अविनाश ने दिए थे उसे? पता नहीं सर। सर, लगता है कि पहले अविनाश जी ने जीवन को एक्सटॉर्शन मनी देने से मना कर दिया होगा, लेकिन बाद में डर के मारे उन्होंने उसे वो पैसे दे दिए। बैंक ऑफ महानगर में अविनाश के पुराने अकाउंट्स की छानबीन करो। एक के बाद एक झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं आप लोग। सब मालूम था आप लोगों को, कब जीवन जेल से भागेगा, कब जाके उस गोडाउन में छुपेगा। 2 लाख रुपए मिले उस गोडाउन से तो 6 साल पहले बैंक से निकाले गए थे। मालूम है ना 6 साल पहले क्या हुआ था? जी, अविनाश जी का खून, जबकि हकीकत में उन्होंने नहीं किया था। जीवन का अकाउंट बैंक ऑफ महानगर में है। सर, उन्हें जुआ खेलने और शराब पीने की आदत थी, पैसे तो उनके पास बचते ही नहीं थे, तो फिर बैंक में अकाउंट कहां से होगा? सर, उस गोडाउन की चाबी किसके पास रहती है? सर, एक मेरे पास और एक आशा जी के पास। आपके पास चाबी है? जी सर। दिखाइए। आप भी अपनी चाबी दिखाइए। जी। चाबी तो मैंने यहीं रखी थी, पर है नहीं। लगता है किसी ने चुरा लिया। और कौन कौन आता है आपके घर में? जी, दूध वाला, पेपर वाला, हाँ, नवीन आया था। नवीन? ये नवीन कौन है? जीवन का दोस्त है। 6 साल में एक बार भी चेहरा नहीं दिखाया, और उस दिन अचानक चला आया। बहुत खुश था कि जीवन जेल से जल्दी से छूट के आ रहे। मिठाई भी लाया था। उससे गोडाउन के बारे में कुछ बातचीत हुई थी? हाँ, पूछ रहा था गोदान कहाँ है वगैरह वगैरह। जब फिर? उसके बाद मैं चाय बनाने चली गई, और जब लौट के आई तो वो था ही नहीं, बिना चाय पिए ही चला गया। अच्छा, नवीन को चाय पिलानी पड़ेगी। तो ये नवीन है? जी। इस वक्त कहाँ मिलेगा ये? पता नहीं साहब, वो 2 दिनों से घर नहीं आया। वो अक्सर ऐसा करता है?
जब कोई छोटी मोटी चोरी करता है तो वो कुछ दिनों तक घर नहीं आता, सारे पैसे शराब और जुए में उड़ा देता है। लेकिन इस बार उसने छोटी मोटी चोरी नहीं की, खून किया है। खून? खून? भाई साहब, मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता साहब। आप लोगों को जरूर धोखा हुआ है साहब, माना कि मेरे बेटे में चोरी की बुरी आदत जरूर है, पर वो किसी का खून नहीं कर सकता साहब। तलाशी ले लो घर की। आप जरा मोबाइल नंबर दीजिए उसका। वो मोबाइल नहीं रखता साहब। क्या आजकल के जमाने में कोई आदमी मोबाइल नहीं रखता, ऐसा हो सकता है? सर मेरा बेटा बहुत चालाक है, वो कहता है कि सारे गुनहगार मोबाइल रख के पकड़े जाते हैं, मैं मोबाइल ही नहीं रखूंगा तो पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। पकड़ा तो वो जाएगा ही। कुछ मिला? नहीं सर, कुछ खास तो नहीं, कपड़े लेते हैं और कुछ पुरानी टिकटें हैं फिल्म की। नहीं सर, कुछ आते नहीं। अच्छा, सितंबर, ये तो आज की डेट है ना? हाँ सर। तो आज की डेट में ये लिखा क्या हुआ है? RASQAW RASQAW, कौन सी भाषा का शब्द है ये? सर ये ना ही कोई भाषा है और ना ही कोई वर्ड, मैंने इंटरनेट पे चेक कर लिया। अभिजीत, ये कोई कोड वर्ड हो सकता है। कोड वर्ड तो है मगर किसका? कहीं ये पीएनआर नंबर तो नहीं है? ऐसे ही अलग अलग अक्षरों का पीएनआर नंबर बनता है। पीएनआर जो ट्रेन टिकट और रेलवे टिकट पे होता है। मतलब नवीन ट्रेन पकड़ के शहर छोड़ के भागने के चक्कर में, या फिर प्लेन पकड़ के देश छोड़ने का चक्कर? ठीक कह रहे दया, ये नवीन प्लेन पकड़ के भागने वाला था, क्योंकि ट्रेन का पीएनआर 10 नंबर का होता है और प्लेन का पीएनआर 6 नंबर का। RASQAW 6 डिजिट। और ये 29 सितंबर आज ही की तारीख पे बुकिंग की गई है। फ्रेडी जरा पता करो किस एयरलाइन से ये टिकट बुक किया गया है और कहाँ का। यस सर। सर सर, अविनाश के अकाउंट्स के बारे में पता कर लिया है। हाँ सर, सर अविनाश ने अपने अकाउंट से 6 साल पहले 6 मई 2006 को अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए विड्रॉ किए थे। ये जो नोट हमें गोडाउन से मिले थे उससे मैच करते हैं? हाँ सर, लेकिन एक बात है जो हमें पता नहीं थी, अविनाश ने उस दौरान बैंक से बहुत सारे पैसे निकाले थे, करीब 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए? यस सर। इतनी बड़ी रकम क्यों निकालेंगे वो? एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल, कुछ भी हो सकता है। अगर जीवन ने अविनाश से पैसे लिए थे तो उसने जेल जाने से पहले ये पैसे कहीं छुपा दिए होंगे और उस जगह के बारे में इस नवीन को पता चल गया होगा और इसीलिए उसने जीवन का खून कर दिया। मगर घूम फिर के बाद फिर वहीं पहुंच जा रही है दया, कि अगर जीवन 3 दिन के बाद जेल से छूटने वाला था तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? सर पीएनआर नंबर से पता चला है कि कंफर्ट एयरलाइन से आज के लिए ही एक टिकट बुक करवाई गई थी रिपब्लिक ऑफ मांजीविया के लिए और इस पैसेंजर के बिना ही फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। मतलब ये नवीन एयरपोर्ट पहुंचा नहीं? नवीन नहीं सर, मिस्टर बीके कुमार। ये देखिए टिकट मिस्टर बीके कुमार के नाम से बुक करवाई गई थी। बीके कुमार? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, विनीत जो गोडाउन में हमें पासपोर्ट मिला था ले गया? जीवन ही बीके कुमार बन के रिपब्लिक ऑफ मंजीविया जाने वाला था और जीवन के पास 5 करोड़ रुपए थे। और सर इतनी बड़ी रकम वो अपने साथ लेके नहीं जा सकता था, बैंक से भी ट्रांसफर नहीं करा सकता था। हवाला से भेजे होंगे? करेक्ट, हवाला। अपने खबरियों से पता करते हैं कौन कौन लोग हैं जो रिपब्लिक ऑफ मांजीविया के लिए हवाला का काम करते हैं। मिस्टर मनीष, जीवन ने रिपब्लिक ऑफ मांजीविया में हवाला से किसको पैसे भेजे थे? जीवन रिपब्लिक ऑफ मांजीविया? सर मैं एक फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ,
लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लीगल एडवाइस देता हूँ। ये हवाला जैसा काम मैं नहीं करता सर। अच्छा ठीक है, विनीत इन्हें भी अपने साथ ले लो। यस सर। लेकिन आप चलो। लेकिन कहाँ लेके जा रहे हैं सर? वहीं जा, तुम्हारे जैसे और 6 फाइनेंस कंसल्टेंट्स को रखा है हमने हवालात में। जब थर्ड डिग्री का टॉर्चर होता है ना तो अच्छे अच्छे सच बोलने लगते। चलो। नहीं नहीं ओके, मैं बताता हूँ सर। सर ये तो यही बोलना चाहते हैं। अच्छा बोलो। दरअसल सर पैसा अभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन पैसा लेकर आया ही नहीं। आता भी कहाँ से, जीवन का खून हो चुका है। खून? हाँ। नहीं सर, जीवन का खून नहीं हो सकता है। उसने खुद मुझे मैसेज दिया है कि वो थोड़ा लेट आएगा और शाम को 5 बजे तक मुझे पैसा दे देगा। सर 5:30 बज गए, अभी तक कोई भी नहीं आया। अगर आएगा जरूर, 5 करोड़ का मामला है। सर, सर गाड़ी आई तो है वहां पर। सर उसमें से कोई उतर क्यों नहीं रहा है? तो चेहरा ढक गया है। चलो महेश बाबू, तुम छोड़ दो। मैंने कुछ छोड़ दो। बहुत भाग गया तो ये सब मेरा प्लान था। अविनाश का खून, जीवन का जेल से भागना और फिर जीवन का भी खून। लेकिन तुमने अपने पति अविनाश के साथ ऐसा धोखा क्यों किया? क्योंकि मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था। वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ गया था। वो दोनों सारे पैसे लेकर हमेशा के लिए इंडिया से भाग जाना चाहते थे, नई जिंदगी शुरू कर देना चाहते थे। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था सर। मैं बिल्कुल अकेले पड़ गई थी, बिल्कुल टूट गई थी। जीवन जैसे क्रिमिनल से तुम्हारी जान पहचान कैसे हुई? उस रात मेरा नाम जीवन है, जीवन। तेरे जैसे कितनों को ठिकाना लगा चुका हूं, समझा? और ये चाकू वाकू है ना, मुझे मत दिखाना,
तेरा चाकू लेके तेरे पेट में डाल दूंगा। पकड़ इसे। अच्छा लिया निकल। म्यूजिक चालू कर। अविनाश से बदला लेने के लिए मैंने उसका इस्तेमाल किया, उससे प्यार का नाटक किया। और उसी प्यार में तुमने जीवन से कहा कि वो अविनाश का खून कर दे? नहीं, जीवन ने खुद कहा था कि वो अविनाश को रास्ते से हटा देगा, और उसे ये भी पता चल गया था कि अविनाश ने वो 5 करोड़ कहाँ छुपा के रखे थे। उन 5 करोड़ रुपए का किया क्या उसने? जीवन ने मुझे कभी नहीं बताया कि उसने वो पैसे कहाँ छुपाए थे। उसने बस मुझे इतना ही कहा कि अगर मैं वफादार रही, उसके जेल से रिहा होने तक का इंतजार किया, तो हम दोनों शादी कर लेंगे और उन पैसों से ऐश करेंगे। और तुमने उसकी बात मान ली? हाँ। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही चल रहा था, तो फिर जीवन को मारने की साजिश क्यों रची तुमने? जीवन के जेल जाने के बाद मुझे अशोक से प्यार हो गया था। अशोक और मैं एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मुझे डर था कि जीवन की रिहाई के बाद अगर उसे मेरी बेवफाई के बारे में पता चल गया तो, इसलिए हमने सोचा कि जीवन के रिहा होने के पहले अगर वो जेल से भागने की कोशिश करे तो पुलिस उसकी खोज में रहेगी। जीवन को हमेशा पुलिस के डर से छुप कर रहना पड़ेगा और हमें जीवन से कोई खतरा नहीं रहेगा। और इसीलिए रिहाई के सिर्फ 3 दिन पहले तुमने जीवन को जेल से भागने के लिए उकसा दिया। हाँ। नवीन जीवन का गहरा दोस्त था, उसे मेरे और अशोक के रिश्ते के बारे में सब पता था। मैंने उन 5 करोड़ में से नवीन को 1 करोड़ देने का लालच दिया और उसे जीवन से गद्दारी करने के लिए खरीद लिया। फिर मैंने जेल में जाकर जीवन को कहा कि अंडरवर्ल्ड के डॉन को उसके 5 करोड़ के बारे में पता चल गया और उसके उसके जेल से रिहा होते ही वो उसे किडनैप कर लेंगे और टॉर्चर करेंगे। अगर उसने उस 5 करोड़ के बारे में उन्हें नहीं बताया तो उसे जान से मार डालेंगे। जीवन ने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया, इसलिए वो सारे पैसे लेके देश से फरार होना चाहता था, है ना? बाबू के लिए जहर और पैसों का बंदोबस्त किसने किया था? मैंने किया था। उस दिन प्रिजन वैन का पीछा मैं ही कर रहा था। जैसे ही वो वैन हाईवे पे आके रुकी, मैंने जाकर चेक कर लिया कि उसका ड्राइवर मर चुका था और गार्ड भी आखिरी सांसें ले रहा था। तभी मैंने पीछे से जाकर वैन का दरवाजा बंद कर दिया। तब तक बाकी के 3 गार्ड भी मर चुके थे। मगर वैन का दरवाजा तो अंदर से बंद था, ये जादूगरी की कैसे तुमने? पावरफुल मैग्नेट से मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तुमने महेश को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा महेश को, महेश को जीवन ने मारा। महेश को जीवन के 5 करोड़ के बारे में पता चल गया था और वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, इसीलिए जीवन ने महेश को मार डाला। जैसे ही पैसे लेके जीवन गोडाउन में आया, मैंने जीत की खुशी में उसे मिठाई में जहर देके मार डाला। 5 करोड़ रुपए पाने के लिए तुमने कितने जाल बिछाए, कितने हथकंडे अपनाए, मगर अफसोस मिला क्या तुम्हें? उन पैसों से 5 दिन भी ऐश नहीं कर पाए तुम लोग। 6 लोगों का खून किया तुम लोगों ने, तुम्हें तो सिर्फ फांसी होगी, फांसी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.